हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, मेरा चैनल 6 महीने से लगभग बंद था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अभी 3 दिन पहले वापस एक्टिव किया गया है। कुछ मेरे द्वारा कुछ गलती हो गई थी जिसके कारण मेरे चैनल को गड़बड़ हो गई थी कुछ। अब वापस एक्टिव हो गया हूँ मैं, और चैनल एक्टिव होने के बाद वापस मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से हूँ। मैं कोई पोस्ट नहीं कर पा रहा था वीडियो पर, अब मैं वापस आपके लिए सेवा में हाजिर हूँ। तो बच्चों, ये मेरा लगभग बहुत लंबे समय के बाद ये पहला वीडियो आ रहा है आपके लिए, और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ MP बोर्ड का तिमाही परीक्षा का आपका टाइम टेबल। बच्चों देख सकते हैं, ये 21 तारीख को जारी हुआ है, और ये जो पूरा है शुरू में ये नोटिफिकेशन है, इसमें ये बताया गया है कि आपके पेपर जो हैं वो भोपाल से आएंगे आपके लिए पेपर इसमें प्रिंट होकर के। मगर कुछ विषय जैसे आपके रिटेल और ब्यूटी हेल्थ केयर, जो भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं, उनके पेपर आपके विद्यालय स्तर पर भी तैयार किए जा सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं इसके बारे में आपको कि आपकी तिमाही परीक्षाएं बच्चों 12 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, मगर इसमें एक सुविधा दी गई है, उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। पहले आप देख लें अपना टाइम टेबल। तो 9वीं और 10वीं वालों को आपको देख लें पहले। 12 सितंबर को आप मंगलवार को अंग्रेजी का पेपर है, 13 सितंबर बुधवार को हिंदी का, 14 सितंबर गुरुवार को संस्कृत, 15 सितंबर को शुक्रवार को विज्ञान का है, फिर इसके बाद 16 तारीख शनिवार को सामाजिक विज्ञान, 18 तारीख को गणित का पेपर है आपका, 19 तारीख को आपके जो अदर सब्जेक्ट होते हैं ना, मराठी गुजराती पंजाबी, ये जो है इनका कंप्यूटर वगैरह इनका, 20 सितंबर के दिन उर्दू विषय का है, और अंतिम पेपर आपका 21 सितंबर 2023 को है, जो आपके एक्स्ट्रा जो आपके होते हैं ना रिटेल वगैरह, इनके बारे में, रिटेल, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ब्यूटी, वेलनेस, जो भी सब्जेक्ट हैं उनके। अच्छा, इसमें आपको करना ये है कि पहले तो आप इस ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छे से देख लें। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अभी लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द, ब्लूप्रिंट का, आपको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना, सारी जानकारी मैं उपलब्ध कराऊंगा। इसमें एक बात और लिखी गई है, देखें आप नोटिफिकेशन में बच्चों, इसमें आप देखें ये लिखा हुआ है प्रायोगिक परीक्षा, दूसरा नंबर जो पॉइंट है इसमें बोल रहे हैं प्रायोगिक विषयों की परीक्षा दिनांक 12 से 21 के बीच में स्कूल वाले जो हैं वो अपने हिसाब से आपको ले सकते हैं। तो आपने नोट कर लिया पूरा टाइम टेबल, और टाइम को भी आपने नोट कर लिया होगा कि आपकी सुबह पेपर की जो टाइमिंग वो कितनी है। इसके बाद बारी आती है आपके जो 11वीं 12वीं वाले हैं, इनमें देखें टाइम में टेबल में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। जैसे कि आप देखें 9 बजे से 12 बजे तक मंगलवार को मनोविज्ञान का पेपर है, सब्जेक्ट वाइज टाइम भी डिवाइड किया गया है। पूरा टाइम टेबल आपके सामने है, इसको बहुत अच्छे से देख लें और आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लें। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में निकालूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने सब्जेक्ट समझ लें। 2 शिफ्ट में आपके पेपर होने वाले हैं, 2 टाइम के हिसाब से, एक टाइम होगा सुबह 9 से 12 और उसी दिन दूसरा टाइम होगा 2 बजे से 5 बजे तक। तो आपका ये पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है, पूरा सब्जेक्ट है बच्चों। अब वापस मैं एक्टिव हो चुका हूं, और अब आपको लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो आपके लिए सुविधाजनक होंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, वो वीडियो में लेके आऊंगा। साथ ही तिमाही परीक्षा से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला भी मेरे चैनल पर वापस हाजिर होगी। तो बच्चों, आपने जैसे पहले मुझे सपोर्ट किया था, एक बार फिर से प्रयास करें, क्योंकि मेरा चैनल बहुत लंबे समय बाद वापस हुआ है तो अब मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ये पूरे इंस्ट्रक्शन है। लास्ट पेपर आपका 21 तारीख गुरुवार के दिन है, 9 बजे से 12 बजे तक, लेखा शास्त्र कृषि कला समूह का। तो ये पूरा इसमें भी है प्रैक्टिकल कब से कब तक है। तो बच्चों बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं बहुत जल्द आपके अगले किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।